तो है, हम लोग का ज़मीन जो ओयना में है, तो उस ज़मीन को जो है दलाल और उस्मान अंसारी और उसका लड़का जो है ना इसराइल अंसारी, वो थोड़ा क्रिमिनल है, समझ रहे हैं, इसलिए वो जो है हम लोग का ज़मीन लूटने चाहता है, हड़पने चाहता है, समझ रहे हैं। उस ज़मीन जो है हम लोग का है, हम लोग का कब्जा में है और वो रंगदारी से लूटने चाहता है। और उसके बाद में खतियान भी हम लोग का सब कुछ है, कागज पत्र सब कुछ है, हम लोग रहने वाला मैंने बुट्टी का है, बुट्टी खिजुटोला, मेरा परदादा छोटकू था, तो छोटकू का मैंने औलत, उसका लड़का शेख सकूर, सकूर का हम नाती हुए, अति पोता हुए, समझ रहे हैं। तो वो जो है नाम मिलने पर उसका भी, उस्मान का भी बाप का छोटकुआ नाम है, तो वो जो है नाम मिलने पर लूटने के लिए मैंने परेशान किए हुए धमकी देता है। ये जमीन आपकी कहाँ पे है? ये ओयना, जो मौजा ओयना में। कितना रकबा है, खाता नंबर क्या है? खाता नंबर 146 है, प्लॉट नंबर 3 प्लॉट है, मालूम नहीं है, मैंने 1 एकड़ 96 डिसमिल, समझ रहे हैं। तो क्या इस जमीन पे कब्जा अभी किनका है? कब्जा तो हम ही लोग का है। तो आपको वहाँ पे किसी भी तरह का काम नहीं करने दिया जा रहा? नहीं, काम नहीं करने। क्या बोलते हैं वो लोग? वो बोलता है जान मार देंगे, धमकी देते हैं, इसलिए जो है मैंने कोई डरे हम लोग नहीं जाते हैं, हम मैंने उसका धमकी थोड़ा क्रिमिनल है ना, इसलिए हाँ थाना में भी केस किए हैं, केस चल रहा है, फिर भी मैंने वो धमकी देता है, कोर्ट कचहरी में भी धमकी देता है, और अलाल दलाल जितना है जो है ना वो सबसे भी धमकी भेजवाता है। तो इस मामले में थाना से आपको किस तरह का सहयोग मिल रहा है? थाना से सहयोग तो पिठोरिया थाना में केस किए थे, वहाँ से केस भेज दिया कोर्ट में, कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। किनके द्वारा धमकी दी जाती है? मैंने बोलता है कि जान मार देंगे। कौन बोलता है? इसराइल अंसारी, उस्मान का 4 लड़का है, उसमें एक ठो क्रिमिनल है, समझ रहे हैं, वही धमकी देता है बार बार। तो अभी आप क्या अपनी मांगे, क्या कुछ रखना चाहते हैं? अभी वही हम मैंने मंत्री से थोड़ा सा एक कराइए, हमारा कागज पत्र जांच पड़ताल सब करा के देता है, और अलाल दलाल जितना है जो है ना वो सबसे भी धमकी भेजवाता है। तो इस मामले में थाना से आपको किस तरह का सहयोग मिल रहा है? थाना से सहयोग तो पिठोरिया थाना में केस किए थे, वहाँ से केस भेज दिया कोर्ट में, कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। किनके द्वारा धमकी दी जाती है? मैंने बोलता है कि जान मार देंगे। कौन बोलता है? इसराइल अंसारी, उस्मान का 4 लड़का है, उसमें एक ठो क्रिमिनल है, समझ रहे हैं, वही धमकी देता है बार बार। तो अभी आप क्या अपनी मांगे, क्या कुछ रखना चाहते हैं? अभी वही हम मैंने मंत्री से थोड़ा सा एक कराइए, हमारा कागज पत्र जांच पड़ताल सब करा के उसके बाद में अगर उसको मेरा ज़मीन है सब थाना से इंक्वायरी करवा के, और हमारा ज़मीन हमको वहाँ काम धंधा करेंगे या जो भी करना है, मेरा चीज है तो मेरा होना चाहिए ना। जमीन है, हम परिवार वाला आदमी है, हम लोग गरीब आदमी है, समझ रहे हैं, गरीब आदमी परिवार वाला आदमी, और गुंडा सबसे मैंने धमकी देता है, उस सबसे थोड़ा डर लगता है, इसलिए जो है मेरा जमीन हमको जांच पड़ताल करके मेरा जमीन दिया जाए, समझ रहे हैं। हम डर के मारे कचहरी भी जाते हैं ना, तो डर से हम जल्दी इधर उधर छिपले चलते हैं, वो लोग 7-8 को क्रिमिनल जाता है वो लोग, समझ रहे हैं। तो हमारा जमीन जो है हमको जांच पड़ताल करके सब कुछ करके मेरा दिया जाए, हम जो है लड़ाई झगड़ा से बहुत दूर, और डर है, और हम लोग गरीब आदमी हैं, मतलब गुंडागर्दी इतना बढ़ गया है कि आप लोग का जीना, गुंडागर्दी बढ़ गया है कि हमको डर लगता है, इसलिए हम लोग जो है जान का भी खतरा है। ये ओयना में हम लोग का जमीन है,
इसमें विवाद खड़ा किए हुए हैं ये उस्मान अंसारी, तो इसके चलते हम लोग बहुत परेशान हाल में हैं। और उसका मैंने ये बता रहे हैं मौजा मोयना जिला रांची थाना पिथौरिया, खाता नंबर है 146, प्लॉट नंबर है 451 और 492 और 564 ये है। एक है 36 डिसमिल, एक है 31 डिसमिल, एक 29 डिसमिल, एक कुल मिला के है 1 एकड़ 96 डिसमिल। तो कितने लंबे समय से आपको इस जमीन के लिए परेशान किया जा रहा है? जमीन के लिए तो बहुत दिन से परेशान किया जा रहा है, करीब 4-5 साल से। चार पाँच साल से कुछ नहीं आते। कौन है ये? हम लोग सिर्फ एक मेरे परदादा का नाम से मैचिंग है उनका पिता का, इसीलिए बस अपना मने इसका चाल चल रहा है। तो उस्मान के परदादा और आपके परदादा दोनों का नाम एक है? हाँ। इस वजह से बस थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा क्या अंतर है? थोड़ा सा में क्या अंतर है? वो छप्पू है, ये छप्पू है। जमीन है वहना मौजा और शेख छटकुआ हम लोग का परदादा थे, तो शेख छटकुआ साकिन गुट्टी मौजा वहना और उस्मान अली का है डायरेक्ट खतियानी रैयत है, मतलब कि सिरांगो, शेख छटकुआ सिरांगो, इसका कोई रास्ता का यहाँ हैया नहीं है, समझ गए? खाली उसका नाम मिलता है शेख छटकुआ, अरे शेख छटका है, बस इसी का चलते इस तरह है। और ये तो पूरा पता आदमी का तो रहता है, अगर अमेरिका भी आदमी रहे तो उसका पूरा पता रहेगा कि नहीं नहीं रह, मतलब कि इंडिया है और मुआवजा मान के चलिए कि अब बुट्टी बुट्टी से यहाँ इस तरह, तो उसका कोई थोड़ा सा भी लचदा का नहीं मिलता है। डायरेक्ट यहाँ से इस शेख छटकुआ साकिब बुट्टी मुआवजा हो ना, बुट्टी शेख छटकुआ मतलब बुट्टी का रहने वाला है और मुआवजा वैना मौजा इसका जमीन है डायरेक्ट, समझ गए? और तो हम लोग कोई मतलब या नहीं इस तरह का, और उसमें खाली लंद बंद करता है, उसका तो कुछ है या नहीं है। आदमी अगर चिट्ठी भी कहीं जाता है तो पूरा डिटेल में रहता है, नाम पता और टोटल, तो उसका तो कोई पता का ठिकाना नहीं, खाली नंबर थोड़ा सा मिलता है। थाना में दे दिए सब लिख करके? हाँ पहले दिए थे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।